पैनकेक्स। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। आज है पैनकेक्स का दिन। पैनकेक्स, यम्मी, अरे वाह। मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है। सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है। मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो। पक्का ना डैडी पिग? पिछली बार पैनकेक जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए थे। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। मामी, क्या हम भी पैनकेक बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। पहले मैं बाउल में सूखा आटा डालूंगी। अब मैं अंडा डालूंगी। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पापा। पापा को ये करने में बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज भी उसका साथ दे रहा है। नहीं जॉर्ज, ऐसे मत करो। अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना, मैं पैनकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो। मम्मी पिग अब पैनकेक को पलटेंगी। उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे ना, तब हमें सिखाना डैडी पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के पैनकेक के ऊपर थोड़ा सिरप डाला। यम्मी। ये पैनकेक पेपा के लिए है। तुम इसे और ऊपर उछाल सकते हो मम्मी पिग। जब अपना पैनकेक उछालोगे तब मुझे दिखाने का चांस तुम्हें मिलेगा डैडी पिग। सिरप प्लीज। यम्मी। ये पैनकेक मम्मी पिग के लिए है। अब भी उन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछाल रही मम्मी पिग। अगला पैनकेक आपका ही है डैडी पिग, तो अब आप ही करके बताइए। बहुत यम्मी है। अब सबकी नजर मुझ पर हो। एक अच्छा पैनकेक बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक, दो और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। अब क्या करें? ये तो आखिरी पैनकेक था। इसे नीचे लाना बहुत ही आसान है। ओफो, डैडी पिग अपने पैनकेक तक नहीं पहुंच पा रहे। फिक्र मत करो डैडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ। चलो ऊपर चले बच्चों। मम्मी पिग क्या प्लान बना रही हैं? तीन की गिनती होने पर हम सबको ऊपर नीचे कूदना है, ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो। ये सब कर क्या रहे हैं? काम हो गया, अब डैडी पिग को उनका पैनकेक मिल गया। डैडी के सिर पर पैनकेक है। आपके पैनकेक पर सिरप डैडी पिग? ठीक है, डालो। एक, दो और तीन। यम्मी पैनकेक। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन।
जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़कर, कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज झंडा लहराओ। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग, वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग, वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक दो तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग। बस इतना ही तेज भगा सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओ ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग शरारती दादा पिग। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। स्कूल का नाटक। पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है। लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है, उन्हें घर में प्रैक्टिस करनी होगी। पेपा होगी लिटिल रेड राइडिंग हुड। मम्मी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पेपा तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए,
देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है, वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं, नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा, नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रेबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है, पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ। अलमारी में जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह, तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है, ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िये हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे। पेपा और उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ, हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट, क्या बता सकते हो वो क्या है? डायनासोर। अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो। आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पेपा, जॉर्ज, ये है हमारा पेट पैरेट, इसका नाम है प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ। हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरट है। कितना प्यारा सा।
आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरेट है। हाँ ग्रैनी। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। ओ क्या कहूँ। ओहो, पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रुप में जा रहे हैं। ये जॉर्ज का पहला दिन है। जॉर्ज, क्या तुम्हें प्ले ग्रुप में जाना अच्छा लग रहा है? डैडी, मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रुप के लिए बहुत छोटा है। वो ठीक रहेगा पेपा, और फिर तुम और मिस्टर डायनासोर वहाँ उसके साथ रहोगे। डायनासोर। लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ, ना कि जॉर्ज और उसके डायनासोर से। ओह डियर, पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रुप में जाना नहीं चाहती। हम पहुंच गए। डैडी, आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है? वो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आ सकता है। बाय बाय। मैडम गजेल प्ले ग्रुप के बच्चों की देखभाल करती है। हेलो, ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। हेलो जॉर्ज। काश मेरा भी एक जॉर्ज जैसा एक छोटा भाई होता। सच में? हेलो, मैं हूँ डैनी डॉग। क्या ये डायनासोर है? ये सिर्फ एक खिलौना डायनासोर है। डायनासोर। शानदार। डायनासोर। डायनासोर। सच में डरावना है।
ये शानदार है। जॉर्ज मेरा भाई है और वो कमाल का है। पापा को अपने छोटे भाई जॉर्ज पर गर्व है। चलो हम जॉर्ज को बताते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं। जॉर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। शायद तुम उनकी मदद कर सकती हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है। जॉर्ज, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं। पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो। नहीं जॉर्ज, ये रंग सही नहीं है। अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो। जॉर्ज, ये सही शेप नहीं है। अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो। परफेक्ट। जॉर्ज, तुमने बिल्कुल गलत बनाया है। देखें तो तुमने क्या बनाया है। मैंने एक फूल पेंट किया है। ये बहुत अच्छा है पेपा। और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डायनासोर। ये डायनासोर। शानदार। जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए। पेपा, तुम्हें अपने छोटे भाई पर गर्व होना चाहिए। हाँ, मुझे है। घर जाने का समय हो गया और बच्चों के मम्मी पापा उन्हें लेने आ गए हैं। क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है? हाँ, और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है। अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज? डायनासोर गर्ली। एक और डायनासोर की तस्वीर। शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डायनासोर कैसे पेंट करते हैं। शानदार। हाँ, शानदार। शानदार। पिगी इन द मिडिल। जॉर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। पेपा भी खेलना चाहती है। जॉर्ज, ये सही तरीका नहीं है। बॉल इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरह नहीं। तुम ऐसा करते हो। पेपा कितनी शैतान छोटी सी पिग है। जॉर्ज, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है। पेपा, तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो? ये सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी। मैं खेल जानती हूँ जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंद कैसे पकड़नी है। इसे कहते हैं पिगी इन द मिडिल। पेपा, तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ और जॉर्ज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। बढ़िया, तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है। मैं हूँ पिगी इन द मिडिल। मम्मी है पिगी इन द मिडिल। पकड़ो जॉर्ज। ओह, छूट गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओह, फिर कोशिश करो। ओ, कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ।
पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओह डियर पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी इन द मिडल खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था। मम्मी क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी पेपा। मेरी तरफ जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। पेपा को बॉल पकड़ना पसंद है, जॉर्ज को भी बॉल पकड़ना पसंद है, सबको बॉल पकड़ना पसंद है। सीक्रेट्स। मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड, पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को। ये एक सीक्रेट है जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूं, तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है, जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती।
पापा को सीक्रेट्स अब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओगे तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक दो तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जोश के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओह। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जोश, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सबको कस्टर्ड डोनट्स पसंद हैं। मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर्ड डोनट छुपाने की। क्या तुम बता सकते हो कहाँ? आप उसे छुपाने वाले हैं फ्रिज में? नहीं, कहीं उससे ज्यादा खास। मेरा पेट। स्वादिष्ट। और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी। और मैं भी। ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है। पेपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डैडी पिग पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं। पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेड। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक। ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक कहाँ है? सब तैयार? तैयार। तो फिर चलो। ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है। बाहर अच्छा लगता है। हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए। मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ, और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए, उनका पेट बहुत बड़ा है। पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूंगा, चाहे कोई और करे ना करे। चलो खाते हैं। अच्छा आइडिया है मम्मी पिग, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग। बाद में। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी, क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा, वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू। चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ। बचाओ, कोई इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। आ, 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 आ,
ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओह, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो। तुम्हारा स्वागत है। घर जाने का समय हो गया, बत्तखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बत्तख, तुमसे फिर मिलेंगे। Dressing up. पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? पेपा को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ, ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। ये है डैडी का हैट और ये है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हैट है। डैडी पिग आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पेपा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा, पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी। अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए। पेपा मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओह हाँ बिल्कुल, हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ। सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम? पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते।
ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया। The Tooth Fairy. पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है। ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ जरूर आएगा पेपा। इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज, मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओह जॉर्ज। ओह ये आवाज तो जॉर्ज के खराटों की है। वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा। गुड नाइट। पापा, जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। ट्रेजर हंट।
दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। दादी जी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। बहुत अच्छे। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ।
पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पेग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेयर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रेबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई, तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है, कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। स्नो। आज पेपा और जॉर्ज बहुत खुश हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। मम्मी क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ पर बाहर बहुत ठंड है, तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ। अपनी कैप्स, स्कार्फ और ग्लव्स भी पहन कर जाना। बाहर बहुत ठंड है, पेपा और जॉर्ज को कैप्स, स्कार्फ्स और ग्लव्स पहनने होंगे। चलो जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओह ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है?
जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे। ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज, चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है, पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी, डैडी, आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिक को ठंड लग रही है। उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी, आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ हैं। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिक गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल, हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुंच रहे हैं? अभी नहीं। ओह, क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं, नीले रंग का गाड़ी में कुछ है। नहीं, हार गए। हार गए। आ
आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी, चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुरे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुँच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिग की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं, हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है।